our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 1, subject Hindi 1, chapter 5, Abbu Kha Ki Bakri. आज मैं आप लोगों को हिंदी 1, chapter 5, Abbu Kha Ki Bakri पढ़ाने जा रही हूँ. आप लोग मेरे साथ पढ़िए और समझिए, ठीक है? अब्बू खा की बकरी. अल्मोड़ा में एक मियाँ जी रहते थे, नाम था उनका अब्बू खा. क्या नाम था? अब्बू खा. उन्हें बकरियाँ पालने का बड़ा शौक था. अब्बू गरीब थे. जब कोई बकरी भाग जाती तो अब्बू खा सिर पकड़ कर बैठ जाते थे. अब्बू खा क्या थे? गरीब थे. और जब कोई बकरी, जब वो बकरी पालते थे और उनमें से कोई बकरी भाग जाते थे तो वो बहुत दुखी होते थे और सिर पकड़ कर बैठ जाते थे. हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा, मगर अकेलापन बुरी चीज है. थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते. इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी. फिर क्या करते थे? वह जब बकरियां भाग जाते थे तो फिर वह बकरी न पालने की सोच लेते थे, लेकिन फिर कुछ दिन वह बकरी के बिना रह जाते थे, लेकिन फिर वह कोई न कोई बकरी खरीद कर लाकर फिर से बकरी पालना शुरू कर देते थे. इस बार वह एक जो बकरी खरीदे थे वह बहुत ही सुंदर थी. उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे. सीधी इतनी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूध दुह ले. अब्बू खान ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी. अब्बू खान ने बकरी का नाम क्या रखा था? चांदनी. उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई और उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे. अब्बू खा को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती, मगर अब्बू खा धोखे में थे. चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी और चांदनी क्या की वह पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई और वह फिर चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी. वह मैं करके चिल्लाती रहती. अब्बू खा जानते थे कि अगर यह पहाड़ पर गई तो वहाँ भेड़िया इसे खा जाएगा. पहले भी वह कई बकरियों को खा चुका था. भेड़िया क्या, अगर चांदनी पहाड़ पर चली जाएगी तो क्या होगा? भेड़िया उसे खा लेगी. इसलिए अब्बू खा, यह पहले से अब्बू खा को पता था, इस तरह से बहुत बकरियों को भेड़िया पहले खा चुका था. पर एक दिन बकरी रस्सी तोड़कर और लंबी छलांग लगाकर भाग ही गई. चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा. वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गए. रात का अंधेरा था. पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, फू फू. चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया. पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई. वह बेचारे अब्बू खा थे. वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए. उधर दुश्मन भेड़ियों की आवाज आ रही थी. चांदनी के मन में अब्बू के पास लौटने का ख्याल आया. तभी उसे रस्सी और कांटों का घेरा याद आ गया. उसने सोचा, गुलामी से तो मौत अच्छी है. भेड़िया जमीन पर बैठा था. उसकी नजर बकरी पर जमी थी. पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ू, भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, जीत तो उसकी ही होगी. फिर उसने सोचा, ना लड़ना भी तो कायरता होगी. बकरी ने सिर झुकाया, सिंह आगे को किए और पैतरा बदला. वह भेड़िए से लड़ती रही. बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है. बिना लड़े हार मानना कायरता है. क्या होता है? बिना लड़े हार मानना कायरता होती है. इसलिए बकरी ने भेड़िया से जमकर लड़ाई की. चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया. भेड़िया चकरा गया. धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई. वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी. पास के पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी कि कौन जीता. एक चिड़िया बोली, भेड़िया जीता. पर एक बुद्धि चिड़िया ने कहा, चांदनी जीती. अब आप फैसला करो कौन जीता. ठीक है, आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा. अच्छी तरह से फिर से पढ़िएगा और समझिएगा. थैंक यू क्लास.